गाइस बप्पी दाई इन एक्शन अगेन। तो गाइस अब हम जा रहे हैं बप्पी दाई ओवर हियर एंड लेट्स गो फॉर अ वर्कआउट। रिफ्यूल जा रहे हैं रिफ्यूल जिम। तो बाबा ऐसे चल रहा है और अभी हम पहुंचे हैं काठगोदाम। सो आगे भाई वेट कर रहे हैं हमारा वर्कआउट के लिए। आगे जाके तुरंत करना है जाके हल्के से वार्म अप और स्टार्ट करना है एक्चुअली, क्योंकि हमें हो चुका है लेट काफ़ी ज़्यादा। आज मॉर्निंग में हमारा बॉडी पावर नहीं जा पाया। सो आई विल गो देयर रिव्यू। हेलो की हाल चाल। चले अंदर वर्कआउट करें। क्या मानना है आपको? एप्स कहाँ है दिखाओ तो सी। एप्स कहाँ है? कैसे मारते हैं उसको? लेट्स गो। हो चुका है, पप्पीदा ने खा लिया अपना मील। कैसा लगा पप्पीदा को खा के? बहुत सही। सो गाइस वर्कआउट किसी को खाना है तो कृपया करके पांडे जी मैगी पॉइंट आई एच एम गाइस अब बढ़िया करके खाओ। तो बाबा लोगों हो चुका है वर्कआउट प्रॉपर ढंग से। उसके अंदर थोड़ी रेस्ट करने आया था ये, और पप्पीदा यहाँ पे है बात की। हाँ देखो साहिब गया ना साहिब। सही है। अमित दा दिख गए हैं यहाँ पे। अमित दा लॉन्ग टाइम नो सी बड़े भाई। ट्रांसफॉर्मेशन तगड़ा चल रहा है देख रहे हो। बड़े भाई भी दिख गए सरप्राइजिंगली अंदर। तो भाई कहाँ से निकल के आ रहे हैं? स्क्रिप्टेड तो नहीं है भाई। सर हम चलते हैं स्टूडियो को, घर से निकलते हैं। अपनी राइड है यहाँ पे, अपना हेलमेट इत्थे। लेट्स गो फटाफट चलते हैं स्टूडियो। थोड़ा काम वाम करते हैं, भैया लोग आने वाले हैं, उसके बाद उनके साथ बैठा जाएगा, बात की जाएगी कल के दिन के बारे में। तो गाइस फिर इस चेतन इसने अपना बॉडी फैट काफ़ी लूज़ करा है और इसकी मसल गेनिंग करा रहे हैं। अभी देखते रहिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन और काफ़ी फ़र्क दिख रहा है मुझे। इसकी पुरानी पिक्चर डालूंगा जल्द और देखिएगा कितना ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। आगे कर देना भाई इधर तो देखा। क्यों देखा मैं भी ऐसे रखता था। मैंने भी रखी। मैं राइट से ला रहा हूँ। ओके गाइस बोला आप सर। ये फ्लैश लगाए रखना यार। फ्लैश लगाए रखते एक बार। रुको ये रुको अभी मत करो। हाँ मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट अरे मेरा हाथ छोटा है। मैं बोलूँगा वाह थ्री। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यार ये। ओके गाइस सेट कौन जैसो जेशो। जेष्टा 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 वाह पानी पी रहे जेशो जेशो। अरे ये भी देख रहा। अगर एक सेकंड और बीच होती उसका रिएक्शन बहुत जबरदस्त आता। बड़े हो रहे भाई। कैसा लगा आज का? बड़े भाई कैसा लगा आज का? अच्छा था क्या? ओके गाइस आ चुके हैं वापस। यो लेट्स गो। तो गाइस माउदा जा रहे हैं वोकल बूथ के अंदर, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। माउदा अपना देखो अब। हाँ 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 हाँ
तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस मौदा? आंखों में मिर्च है बाबा, बहुत मिर्च लग रही है आंखों में। ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, अंदर ऐसे किसी ने प्याज काटा हो ना, मतलब वैसे थोड़ा कम खुलती है। छोटी आंखें होने के बाद ही भाई नहीं हो पा रहा है। जरूरी है, जरूरी है। छोटी आंखों का बहुत फायदा है, क्योंकि मुझे विंड ब्लास्ट लग रहा था और मेरे आंसू निकल रहे थे और मैंने आग बंद करी और सामने गड्ढा। अभी मुझे कहता है कि ये लेफ्ट साइड में जाते हुए गड्ढा है, आते हुए राइट हैंड साइड में और बड़ा है। और मुझे फिर उसके बाद कह रहा छोटी आंखों का ना फायदा होता है। तो भाई सब चलते हैं ऑफिस घर को, लेट हो चुका है, इट्स बीन लेट, फटाफट जाना है और आगे बात करते हैं घर पहुंचने के बाद। सो लेट्स गो, स्टे ट्यून्ड गाइस। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी, बहुत ज़्यादा रश में, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा, अच्छे से काम करा, आज काफ़ी सही चीज़ें हुई। आज से मैंने लिफ्टिंग भी दोबारा स्टार्ट करी है, सो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा सा लग रहा है, हल्का सा और बढ़िया, ठीक है। सो कल से कुछ सैटरडे संडे स्पेशल ब्लॉग्स आएंगे एंड दैट विल बी फाइन, और या फिर बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोग को, और काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है और नए से नया, बहुत अच्छा लगेगा आपको। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।